सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले पांचों डॉक्टर क्या गायब हो गए हैं, इस तरह की खबर जो है काफी चल रही है। कल एक लीडिंग न्यूज चैनल ने इस खबर को उठाया और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत पटेल उमराव जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने एक ट्वीट डाला है। उन्होंने कहा कि जो पांचों डॉक्टर जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था रूल्स के बाहर जाकर, क्योंकि शाम को नहीं हो सकता है पोस्टमार्टम, जो पोस्टमार्टम के रूल्स हैं उसके हिसाब से आप शाम को पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, ऐसे में उन्होंने जो है पोस्टमार्टम रात को किया और उसके बाद ये पांचों जो है गायब हो गए हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाना चाहती है। ये ट्वीट उन्होंने अभी किया है और ये जो है इसको लगभग 7,000 लोगों ने रीट्वीट किया और ये जो है खबर फैल चुकी है कि वो जो है डॉक्टर्स क्या गायब हो गए हैं। सुशांत की दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है और इसमें साइन करने वाले डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो जिनसे जिन डॉक्टर के साइन है, डॉक्टर जी ए पाटिल, डॉक्टर पी ए शायद खोबाड़े लिखा है, एसी इंगले, एस आर कोले और एस एस सोनावने, ये सारे जो डॉक्टर्स हैं ये गायब हो गए हैं पांच, ये सारे के सारे पांचों, इस तरह की खबरें हैं। कल एक लीडिंग न्यूज चैनल ने इसको चलाया। डॉक्टर स्वामी ने एक सवाल किया था और कहा था कि अब जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी तो सबसे पहले इन पांचों डॉक्टर की भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है जिन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन किए हैं। और अब ये खबर है कि वो पांचों डॉक्टर क्या गायब हो गए हैं और इस तरह की बात जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं प्रशांत पटेल उमराव उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखी है कि पांचों डॉक्टर जो है वो गायब हो चुके हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था।